हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं गैल्वेनोमीटर की। सो सबसे पहले आप लोगों को गैल्वेनोमीटर की एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। गैल्वेनोमीटर का यूज अगर कोई एलिमेंट के अंदर करंट पास हो रहा है तो उसकी प्रेजेंस चेक करने के लिए होगा कि कितना करंट पास हो रहा है और करंट हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके वर्किंग प्रिंसिपल की और इसके कंस्ट्रक्शन की, राइट, वेरी इन शॉर्ट। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर के अंदर उसके दोनों बाजू एक नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक पोल होंगे जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेंगे। अब हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी उस तरह से, अगर इसके अंदर हम लोग करंट कैरिंग कोई लूप या कोइल को रखेंगे तो भी इस बात है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या है, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेगा उस, और उसकी वजह से उसके साथ कनेक्ट की हुई स्प्रिंग को डिफ्लेक्शन देगा और उस स्प्रिंग के साथ हमारा पॉइंटर कनेक्ट होगा जो स्केल के ऊपर हमको करंट मेजर करके बताएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे दो टॉर्क की खास ध्यान रखना है कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से स्प्रिंग के अंदर मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जो हमारे पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करेगा और करंट शो करेगा, और स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा जो उस पॉइंटर को फिर से अपनी ओरिजिनल पोजिशन में लेने के लिए ट्राई करेगा, राइट। और जब हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और स्प्रिंग के अंदर का जो रिस्टोरिंग फोर्स है, राइट, और रिस्टोरिंग टॉर्क ये दोनों सेम हो जाएंगे तब हमारा पॉइंटर स्टेशनरी हो जाएगा और वो करंट को मेजर करके बताएगा, राइट। सो इन दोनों टॉर्क के बारे में आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए। तो फिर से रिवाइज करता हूं मैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो पॉइंटर को, राइट, जब हम करंट पास करेंगे तो उसको स्केल के ऊपर ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, और रिस्टोरिंग फोर्स जो स्प्रिंग के अंदर प्रोड्यूस होगा जो उस पॉइंटर को अपनी ओरिजिनल पोजिशन में फिर से ले जाएगा, राइट। अब और दो पॉइंट आपको खास बता होना चाहिए, ये दोनों पॉइंट ऑलरेडी मीट के अंदर पूछे गए हैं जिसकी बात हम करने वाले हैं, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो सबसे पहले आप लोग उसका मतलब समझ लो, करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है कि हम लोग कॉइल के अंदर थोड़ा भी करंट पास करेंगे तो भी पॉइंटर हमको शो करेगा, डिफ्लेक्शन बताएगा, राइट। और कई गैल्वेनोमीटर ऐसे होते हैं जिसकी करंट सेंसिटिविटी कम होगी तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप लोग उसके अंदर थोड़ा करंट पास करोगे तो वो आपको डिफ्लेक्ट करके नहीं बताएगा, मतलब कि उसकी सेंसिटिविटी क्या हुई, कम हुई, राइट। तो इन दोनों टॉपिक की हम बात करने वाले हैं और उसके इक्वेशंस को हम डिराइव करेंगे। कीप वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गैल्वेनोमीटर का यूज हमने जैसे बात की स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए और उसकी प्रेजेंस चेक करने के लिए होता है, राइट। अब यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो कि दो मैग्नेट के बीच में एक ड्रम दिया हुआ है, उसके ऊपर एक स्प्रिंग है और उसके ऊपर एक कॉइल दी हुई, राइट, जिसके साथ हमारा पॉइंटर कनेक्ट किया होगा, राइट। और वो पॉइंटर जब करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से स्केल के ऊपर हमको करंट मेजर करके दिखाएगा, राइट। तो स्प्रिंग के अंदर जो डिफ्लेक्टिंग मैग्नेटिक फोर्स, राइट, डिफ्लेक्टिंग मैग्नेटिक फोर्स जो प्रोड्यूस होगा उसकी मदद से जो उसमें टॉर्क अप्लाई होगा, राइट, उसका इक्वेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एक शॉर्टकट, टाउ इज इक्वल टू बीना, राइट, टाउ इज इक्वल टू बीना साइन थीटा। और यहां पे हम लोग थीटा की वैल्यू क्या लेंगे, 90, मतलब कि मैक्सिमम लेंगे, तो हमको टॉर्क मिलेगा टाउ इज इक्वल टू बी इंटू आई इंटू एन इंटू ए, जहां पे बी होगा हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, आई होगा इस लूप के अंदर पास होता हुआ करंट, एन होगा उसके टर्न्स और ए होगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा, राइट, रिस्टोरिंग फोर्स, और उसकी मदद से उसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा जिसको हम बोलेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क। अब जब ये हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क है उसका इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, के इंटू फाइव, के इंटू फाइव, जो हम इलेवंथ में भी देख चुके हैं। इसके अंदर के होगा, के होगा इसका कॉन्स्टेंट, राइट, ट्विस्ट कॉन्स्टेंट, और फाइव होगा इसका एंगल ऑफ ट्विस्ट, मतलब कि जब इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा तब हमारा जो वायर है, राइट, उसके अंदर जो ट्विस्ट प्रोड्यूस होंगे उसको बोलेंगे एंगल ऑफ ट्विस्ट, मतलब कि फाइव, और उसका कॉन्स्टेंट होगा के। अब ये कॉन्स्टेंट क्या काम करेगा उसकी हम बात करेंगे। अगर कोई वायर का, राइट, जो हमारा कोई वायर का कॉन्स्टेंट के अगर ज्यादा होगा तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो ट्विस्ट का कॉन्स्टेंट है वो ज्यादा होने की वजह से उसमें जो मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा, राइट, तो उसका जो डिफ्लेक्शन होगा मतलब कि वो ट्विस्ट करेगा वो कम करेगा। अगर, राइट, इसका के कम है तो उसका जो ट्विस्ट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मतलब कि जितना इसका ट्विस्ट ज्यादा होगा उतना पॉइंटर क्या करेगा, यहां से आगे घूमेगा और हमको करंट मेजर करके बताएगा, राइट। तो जब ये दोनों फोर्सेस मैंने जो बताया था वो दोनों सेम हो जाएंगे, राइट, तब तो हमारा पॉइंटर है वो एक जगह पे फिक्स हो जाएगा और हमको एग्जैक्ट करंट बताएगा, राइट। इन दोनों को आपको सेम करना है तो आपको मिलेगा बी ना
राइट इज इक्वल टू के इंटू फाइ। तो आई को आप नीचे ले जाओगे तो आपको मिलेगा फाइ बाय आई, फाइ बाय आई इज इक्वल टू बी राइट इंटू एन इंटू ए बाय के राइट। जिसको हम लोग बोलेंगे सबसे मोस्ट टाइम पॉइंट है, जिसको हम लोग बोलेंगे करंट सेंसिटिविटी राइट। करंट सेंसिटिविटी आप लोग क्लियर यहां पे देख सकते हो कि फाइव बाई आई का मतलब क्या होता है। आप सीखो कि अगर यहाँ पे हम करंट पास करेंगे इसके अंदर राइट, उसकी जो स्प्रिंग है उसका जो एंगल है वो क्या होगा, ट्विस्ट होगा। तो मैंने जैसे आपको बताया कि अगर हम कम करंट पास करें तो भी इसका एंगल चेंज हो, तो उसका मतलब उसकी करंट सेंसिटिविटी क्या हुई, बहुत ही ज्यादा हुई, जिसको हम अच्छा बोलेंगे राइट, कि अच्छी करंट सेंसिटिविटी हो गई इसकी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि करंट यहाँ पे डिनोमीटर में मतलब कि नीचे है, जिसकी मदद से अगर करंट कम होगा और आपको जो डिफ्लेक्शन ज्यादा मिलेगा तो उसकी करंट सेंसिटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी राइट। अब हम आई को सामने ले जाएंगे तो आपको रिलेशन मिलेगा बी इंटू एन इंटू ए बाय के राइट इंटू आई, और यहाँ पे आप के को सामने ले जाओगे तो आपको मिलेगा के इंटू फाइव अपॉन बी इंटू एन इंटू ए इज इक्वल टू आई राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आई इज राइट, आई इज प्रोपोर्शनल टू फाइव, इसका मीनिंग क्या हुआ राइट कि जैसे जैसे करंट बढ़ेगा ऑब्वियस बात है ऐसे ऐसे उसका जो डिफ्लेक्शन होगा मतलब एंगल ऑफ ट्विस्ट वो क्या होगा, ज्यादा हुआ, और जैसे एंगल ऑफ ट्विस्ट ज्यादा हुआ स्प्रिंग ज्यादा घूमेगी और पॉइंटर को क्या करेगी, वहां से ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगी और ज्यादा करंट हमको शो करेगा राइट। लेकिन आप लोगों को इक्वेशन तो यही याद रखना है फाइव बाई आई वाला, और आप लोग इस इक्वेशन को रटना मत राइट, आप लोग सिर्फ ये इक्वेशन याद रखो बीना इज इक्वल टू के फाइव, और उसके अंदर आप लोग फाइव बाई आई को सब्जेक्ट बना लेना राइट। अब इस इक्वेशन में से आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी के अंदर जाना होगा तो आपको ओम्स लॉ अप्लाई करना होगा। अब ओम्स लॉ क्या है, वी इज इक्वल टू आई आर, तो हम लोगों को सिर्फ करना क्या है कि यहाँ पे डिनोमीटर मतलब कि नीचे आपको आर से मल्टीप्लाई करना है राइट, आर से मतलब रेजिस्टेंस आर से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपको इक्वेशन मिल जाएगा। अब आप लोग देख सकते हो कि वी इज इक्वल टू आई आर, तो हम लोग पहुंच गए डायरेक्टली करंट में से वोल्टेज के अंदर, और आपको मिलेगा बी इंटू एन इंटू ए राइट बाय के आर राइट। तो आपको इक्वेशन भी याद रखने की जरूरत नहीं, आप लोग सिर्फ टाउ वन इज इक्वल टू टाउ टू याद रखिए, बीना इज इक्वल टू के फाइव, और उसमें से आप लोग दोनों इक्वेशन डिराइव कर लीजिए राइट। और इसको हम लोग बोलेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी राइट, जो नीट के अंदर ऑलरेडी एमसीक्यू पूछा हुआ है। अब हम एक एमसीक्यू बात करेंगे जो ऑलरेडी नीट के अंदर आया था, मोस्ट टाइम एमसीक्यू, अगर हम लोग इस जो कॉइल है उसके जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको डबल कर दें तो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी पे क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोग अगर नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करेंगे राइट, तो उसकी करंट सेंसिटिविटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप खास ध्यान रखना, अगर हम नंबर ऑफ ट्विस्ट को डबल करेंगे तो यहाँ पे नीचे रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है वो भी डबल होगा और टू टू कट हो जाएगा, मतलब कि वोल्टेज सेंसिटिविटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट होगी नहीं, मतलब कि जब हम नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करेंगे राइट, तो उसकी करंट सेंसिटिविटी चेंज होगी, वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं राइट। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द इक्वेशंस ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी राइट इन गैल्वेनोमीटर। थैंक यू।